छतरपुर कांग्रेस अल्पसंख्यक जिला उपाध्यक्ष समाज सेवी नईम खान की तरफ से नए वर्ष की सभी जिले व प्रदेश वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए वर्ष की सभी शहर वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद और सभी को हैप्पी न्यू ईयर। राज इंडिया 18 में आपका स्वागत है और हम खबर की शुरुआत करते हैं छतरपुर से। तो देखते हैं अरविंद वर्मा की यह रिपोर्ट। चंदला विधानसभा के गौरिहार अंतर्गत उमलीखेड़ा स्टेडियम में हुआ विशाल दंगल का आयोजन। भाजपा विधायक राजेश प्रजापति ने करवाया अंतर्राष्ट्रीय दंगल कार्यक्रम। छतरपुर जिले के गौरिहार में नए वर्ष के पहले दिन दंगल प्रेमियों के लिए खासा उत्साह भरा रहा। दंगल प्रेमियों को एक ओर जहां पुरुष पहलवानों के दांव पेंच देखने को मिले, तो वहीं दूसरी ओर महिला पहलवानों के भी दांव पेंच देखने को मिले। चंदला विधानसभा क्षेत्र के गौरिहार अंतर्गत उमलीखेड़ा स्टेडियम में आयोजित किए गए दंगल कार्यक्रम में एक ओर जहां देश के दूर दराज से महिला एवं पुरुष पहलवान आए, तो वहीं नेपाल के मशहूर कुश्ती पहलवान देवा थापा के आने की जानकारी मिलने पर क्षेत्र के दंगल प्रेमियों की भीड़ का सैलाब देखने को मिला। इस कार्यक्रम का आयोजन चंदला विधानसभा के भाजपा विधायक राजेश प्रजापति के नेतृत्व में आयोजित हुआ, तो वही लवकुशनगर अनुविभाग की एसडीएम निशा बांगरे अग्रवाल ने पहलवानों के हाथ मिलवाकर कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ कराया। विधायक राजेश प्रजापति ने बताया कि चंदला विधानसभा क्षेत्र का ये दंगल सबसे मशहूर दंगल रहा है। यहाँ की धरती पहलवानों को पैदा करने वाली है, चाहे राजनीति के अखाड़े के हो चाहे कुश्ती के अखाड़े के हो। आज के कार्यक्रम में मौजूद हजारों की भीड़ इस बात का सबूत है कि कुश्ती के प्रति जनता का कितना प्रेम है। वहीं कार्यक्रम में आए हुए पूर्व विधायक विजय बहादुर सिंह बुंदेला द्वारा कहा गया कि गौरिहार क्षेत्र में पहले गौरिहार महाराज द्वारा दंगल का कार्यक्रम करवाया जाता था, जिसमें देश के बड़े बड़े नामी पहलवान कुश्ती के दांव पेंच दिखाने के लिए आया करते थे, किंतु धीरे धीरे ये कार्यक्रम विलुप्त होता नजर आ रहा था, जिसे पूर्व में मैंने अपने कार्यकाल में इस दंगल के कार्यक्रम को पुनः आयोजित करवाया था एवं इस परंपरा को अब वर्तमान विधायक राजेश प्रजापति बराबर आयोजित करवा रहे हैं। राज इंडिया 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, अरविंद वर्मा, छतरपुर। तो उनकी महिलाओं के उत्साह वर्धन के लिए और लवकुशनगर अनुभाग के जो हमारे पहलवान भाई हैं उनके उत्साह वर्धन के लिए हम यहाँ आए हैं, क्योंकि ये एक हमारा प्राचीन खेल रहा है और ये विलुप्त होता जा रहा है, तो उसके लिए हमें हम सबको मिलकर मिलजुल करके इस तरह के जो हमारे प्राचीन खेल रहे हैं उनको बढ़ावा देने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो मैं खेल के क्षेत्र में यहाँ के अनुभाग के लिए महिलाओं पुरुष दोनों के लिए हम खेल में भी आगे बढ़ाने के लिए उनको तत्पर। दंगल का कार्यक्रम किया गया है गौरिहार में और यह दंगल हमारे बुंदेलखंड में और हमारी चंदला विधानसभा में सबसे ज़्यादा फेमस दंगल है, क्योंकि दंगलों का यहाँ पर पहलवानों का बोलबाला हमेशा से रहा है और यहाँ की धरती पहलवानों को पैदा करने वाली धरती है। यह चंदला विधानसभा की धरती, इस धरती से पहलवान निकले हैं, चाहे वो राजनीति से अखाड़े के लिए पहलवान हो, चाहे कुश्ती के लिए पहलवान हो, चाहे जिस क्षेत्र में देखे हो उस क्षेत्र में यहाँ से पहलवान हमेशा निकलते आए हैं और पहलवानों ने जा कर के देश विदेश में नाम रोशन किया है। इसके उपलक्ष्य में आपने देखा होगा कि हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग एकत्रित हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे शौक है लोगों का कुश्ती देखने का और कुश्ती करने का। इसलिए हमारे क्षेत्र का व्यक्ति इतना वीर व्यक्ति है और वीर पुरुष है, एक एक व्यक्ति एक बच्चा एक वीर पुरुष है। इसलिए यहाँ की धरती को मैं प्रणाम करता हूँ और हम लोग इस जन्मभूमि को कर्मभूमि को आगे तक लेकर के जाएंगे। आप लोगों के माध्यम से हम लोग देश विदेशों में अपने पहलवानों को खिलवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये होता था इसके पहले जब स्टेट थी गौरियार महाराज यहाँ दंगल कराया कर और यहाँ देश के नामी नामी पहलवान आते थे। अब कुश्तियाँ होती
जिन्हें पुरस्कार दे करके उन्हें प्रोत्साहन करके, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है, सदैव पहलवानों से भरा रहता था, यहाँ काफ़ी बड़े पहलवान हो चुके हैं, गामा जैसे पहलवान यहाँ हो चुके हैं, आज पहलवानी की परंपरा विलुप्त होती चली जा रही है। वही परंपरा जब मैं विधायक था मैंने चालू कराई और राजेश प्रजापति जी हुए तो आज इनने नए वर्ष से शुरू करवाई। ये नए वर्ष के उपलक्ष्य में सब युवाओं को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से दंगल हुआ। आपके एक शहर से एक खबर जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंच सकती है, मगर बस एक शहर जरूरी है। हम लगातार सच दिखाते आ रहे हैं क्योंकि हम मिर्च मसाला नहीं सच दिखाने का प्रयास करते हैं। राज इंडिया 18 लगातार लोकप्रिय होता क्योंकि आपका विश्वास हमें लोकप्रिय बना रहा है और हम आपके विश्वास को इसी तरह बनाए रखने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।